सोहे गाइस स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी लॉयर्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को लेकर लॉयर्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अंदर अगर आप लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे हो तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी कैसे इसके आगे के टारगेट हो सकते हैं क्या करंट लेवल के ऊपर स्टॉक को परचेज करके चलना सही रहेगा या फिर नहीं तो बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं तो इस शेयर को लेकर तो चलिए जानते हैं डिटेल में देखो भाई इस शेयर को लेकर मैंने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं और अभी के टाइम आपको बताऊंगा अभी राइट इशू भी इसका जो है भी ओपन हमें देखने को मिल रहा है और इसी भी जो ना राइट इशू के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो आ शेयर है ठीक है आरी शेयरों के अंदर क्या करे बेचे होल्ड करे क्या करे। देखो भी करें देखो भाई आरी शेयरों को लेकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ठीक है अगर आप लोगों को आरी शेयर ठीक है पोर्टफोलियो में तभी रखने हैं जब आप लोग राइट इश्यू के अंदर अप्लाई कर रहे हो ठीक है अगर राइट इशू के अंदर आपको अप्लाई नहीं करना है और आपके पास आरी शेर हैं तो उनका क्या आचार घालो के भी बेच कर बाहर निकलो ठीक है जो मिल रहा है वो तो लो ना ठीक है क्योंकि स्टॉक यहाँ से टूटा है ये स्टॉक जो टूटा है ना ऊपर के भाव से वो इसीलिए टूटे क्योंकि आरी शेयर आपको मिले तो आरी शेयरों की वजह से जो ना भी यहाँ पर ज़्यादा वो मत करना कि भी आरी शेयर रखेंगे तो ये और चलेंगे तो आरी शेयर जो ना भी अभी दस तारीख के बाद जीरो हो जाएंगे तो आरी शेयरों को जो ना भी आई थिंक बेचना सही रहेगा अगर आप लोग अप्लाई नहीं करें भी लॉयस इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के जो राइट इशू है उसके अंदर ठीक है तो आरी शेयर आप लोग बेच सकते हो तो बार बार इसके ऊपर कमेंट मत किया करो भाई आरी शेयरों का क्या करे क्या नहीं तो चलिए भाई अब जानते हैं डिटेल में आखिरकार इसके आगे के कैसे क्या मोमेंटम बनेंगे क्या स्टॉक के अंदर एंट्री लेना सही है अभी टाइम बजट से पहले या फिर जो शेयर तो है वो यहाँ से और टूट सकता है तो चलिए जानते हैं डिटेल में चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर आप लोग देखो भी अगर आपके पास लॉयर्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड के शेयर हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर अपनी होल्डिंग बनाए रखना चाहिए भाई और नीचे के भाव से अगर शेयर आपको मिल रहे हैं आप लोग देखोगे पीछे जो शेयर है ये पचास रुपये के आसपास पहुंचा हुआ था ठीक है वहां से स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन बनी और ये चालीस के भाव में आ गया था पचास से चालीस के भाव में आ गया था तो पचास से चालीस के भाव में आने के पीछे का रीजन क्या रहे हैं राइट इशू ओपन होना उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक अभी के टाइम आपको जो अभी फिर से बयालीस तिरतालीस के आसपास जाते हुए नजर आए तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक है वो बेचना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है यहाँ से अगर आपके पास शेयर है तो अच्छी बात है अगर और खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो यहां से खरीदारी हो सकती है भाई नीचे में देखो चालीस सत्ताइस का सपोर्ट जरूर है लेकिन यहां पर आपको बेचना नहीं है स्टॉक को ठीक है कहीं चालीस सताइस को जो ना नीचे में काटे और आप लोग बेच करें एग्जिट हो जाओ आपको बेचना नहीं है। अगर नीचे में आता है स्टॉक तो यहां से छोटी मोटी और इंट्री होनी चाहिए तो बजट से पहले ही मौका है इन शेयरों में जो ना अच्छी खासी रैली आने की संभावना है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी जबरदस्त आने की संभावना है अभी पूरे के पूरे रिजल्ट जो नी अच्छे आएंगे अब की बार ठीक है तो उसके बाद आप लोग देखोगे बजट से पहले एक इंट्री का मौका अभी टाइम बना हुआ है चालीस बयालीस के आसपास शेयर है और यहाँ से इसके जो टारगेट रहने वाले चलिए वो आपको दिखाते हैं ऊपर में पहला टारगेट रहेगा पचास रुपये का और उसके बाद जो ना भी पचपन रुपये का हमारा नेक्स्ट और फिफ्टी नाइन का उसके बाद तो ये तीन टारगेट ऊपर में स्टॉक के में बनेंगे भाई ठीक है और बजट से पहले आई थिंक जो स्टॉक है वह पचास रुपये के आसपास के मोमेंटम आपको दिखा दिए ऊपर में ठीक और उसके ऊपर में अगर बात करें तो चलिए भी एक ब्रोकरेज हाउसेज़ की तरफ से आप लोग देखो एक बड़े ही अपडेट आई है एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर उन्होंने क्या टारगेट इसके दिए चलिए वो भी आपको दिखाते हैं तो यहां पर आप लोग देखोगे भी रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च रिपोर्ट हमें इसके ऊपर देखने को मिली है ठीक है और ये रिपोर्ट आप लोग देखोगे भी 21 दिसंबर की है और किसने दी है वेंचुरा जी हाँ वेंचुरा की तरफ से जो अभी ये बड़ी अपडेट आई है जहां पर टारगेट इसके सेवेंटी वन के बताए जा रहे हैं अभी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ठीक है दो के अंदर जो अभी इसके लगभग इकहत्तर तो तक के टारगेट यानी कि करंट लेवल से अगर देखें तो सिक्सटी फाइव से सिक्सटी सिक्सटी परसेंट के ऊपर में जो अभी इसके टारगेट हैं तो यहाँ से एक बड़ा मौका हो सकता है एक बड़ी रिपोर्ट के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम बनेंगे तो लॉन्ग टर्म निवेशको तो अपना जो स्टेक है वो पर बनाकर रखिए अगर आपकी जहां पर भी होल्डिंग है उस लेवल से अगर स्टॉक पांच दस नीचे जाता है तो वहां पर एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी आनी चाहिए तो यह स्टॉक जो अभी जबरदस्त रैली आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका इसके अंदर बन सकता है तो बजट से पहले स्टॉक अच्छा है और पिक कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो